नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आरुई मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जानलेवा हमले में दो जख्मी, झगड़ा छुड़ाने से आग बबूला। असामाजिक तत्वों में हमला करके दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यह वारदात बुधवार की रात यशोधरा की भट्टी चौक पर बुधवार की रात में सर्च अकरा से अपने मित्र अकील अंसारी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इटवा टीचर के पास तीन चार युवक गालियां देकर झगड़ा कर रहे थे। आज और अखिल बीच बचाव करने के इरादे से युवकों को समझाने लगे। युवकों ने धारदार हथियार से वार करके दोनों को जख्मी कर दिया। यशोधरा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। शिकायतों को सुनने से बचते हैं अधिकारी। महामंडल में इन दिनों कई एसपी के कर्मचारियों के परिजन चक्कर काट रहे हैं। अलग अलग विभाग में इनके काम भटके हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां और सेवानिवृत्त होने के बाद के मामले हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के पास शिकायत न आई, इसलिए सभी जिम्मेदार अधिकारी अपनी खुशी से गायब रहते हैं। अगर मिल भी जाते हैं तो उनके पास हजार बहाने हैं, जिससे उनका काम आज किसी भी हाल में हल नहीं हो रहा। कर्मचारी और प्रेस कार्यालय तक शिकायत लेकर पहुंचने लगे हैं। खापरी में विकास कार्य से 6 ट्रेनें रद्द, 5 परिवर्तित मार्ग से मध्य रेलवे नागपुर मंडल की ओर से बीजेपी के साइडिंग के अंतिम चरण के तहत खातिर रेलवे स्टेशन पर यार्ड मॉडिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉलिंग वर्क करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 26 सितंबर को नॉन इलेक्ट्रॉनिक वर्क होगा। इससे 6 ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि 5 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। रद्द की गई ट्रेनें में 1210 अमरावती एक्सप्रेस, 12919 अमरावती एक्सप्रेस, 112 एक्सप्रेस नागपुर 26 सितंबर को, 1 सितंबर की गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस स्टेशन शामिल है। वही परिवर्तित मार्ग से चलने वाले ट्रेनों में 25 सितंबर की 135984 चलाई जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।